साधना पर बल दिया गया है। और इसके बाद उन साधनाओं को जनमानस में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा महत्व है गुरु का महत्व। सिद्ध साहित्य में सबसे बड़ी प्रवृत्ति अगर देखी जाती है तो गुरु का महत्व। मेरे विद्यार्थियों, आज भी गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। कहा जाता है कि गुरु बिनु मिले ना ज्ञान, बाहु बिनु हटे ना दुर्जन, तप बिनु मिले ना राज्य, भाग्य बिनु मिले ना सज्जन। यानी कि हम लोग जितना भी पढ़ लें, जितनी भी सूचनाएं इकट्ठी कर लें, अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सिर्फ गुरु से। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलने वाला है। और सिद्ध साहित्य यह प्रमाणित करता है कि उनकी साधना भी गुरु के बिना पूर्ण नहीं है। और यह गुरु का महत्व साहित्य में कितना है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में गुरु की कितनी अहमियत है यह भी कहना ठीक नहीं होगा। यह अनुभव का विषय है और सिद्ध साहित्य ने यह प्रमाणित कर दिया कि गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़कर है, जिसका प्रभाव आगे के संत कवियों पर पड़ा है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं सिद्ध काव्य या सिद्ध साहित्य की, जो विशेषताएं हैं उनमें है गुरु महिमा, हेलो सर, आपका माइक सर म्यूट हो गया। सर आपकी माइक म्यूट हो गई है, सर अनम्यूट कीजिएगा। अब आ रहा होगा। जी सर, आ रहा सर। अब है कि मैं जैसे कह रहा था कि सामाजिक विद्रोह की बातें मैं कर रहा था, आज भी हम लोग विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह दूसरा विद्रोह है और उस समय का विद्रोह समाज की जो पुरानी जो जड़ रूढ़ी है, जड़ प्रथाएं हैं, उसके प्रतिरोध विद्रोह, उसको निकाल फेंकने के लिए विद्रोह है। यानी कि जो पुरानी रूढ़ियां, जो बाह्य आडंबर, जो सामाजिक मतभेद, जो जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव तथा कथित समय में फैल चुका था, उसके प्रति विद्रोह की भावना इन सिद्धों में थी और यह प्रवृत्ति आगे बहुत प्रभावित कर चुकी है। उसके बाद और ऐसा है कि हिंदी साहित्य में रहस्य भावना का प्रारंभ इन्हीं सिद्धों की कविताओं में मिलती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये रहस्यवाद जो है यह दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। रहस्यवाद क्या है? सीधे परमात्मा से संबंधित रहस्यवाद, यानी कि परमात्मा के साथ संपर्क। सिद्ध ने भी अज्ञात परमात्मा, जिसे निरंजन कहा, अलख कहा, उस परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापन किया, अपना प्रेम, अपनी साधना के क्रम में अपने को उनके साथ जोड़ा। यह है रहस्यवाद। तो रहस्यवाद की चिंता या रहस्य भावना के साथ जो तादात्म्य सिद्धों के साहित्य में मिलता है वह सिद्ध साहित्य की विशेषता है और आगे के साहित्य को प्रभावित भी किया है। सिद्धों में और एक बात पाई जाती है
जिसको कहते हैं योग साधना। जान लीजिए आपको थोड़ा सा मैं मनोरंजन करने के लिए कहता हूं, आज योग को योगा बना दिया है। दूरदर्शन में, समाचार पत्रों में योगा के गुरुओं की लंबी कतार है। बाबा रामदेव तो योग गुरु के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो गए। टेलीविजन के विभिन्न चैनलों में योग का खूब प्रचार कर रहा है, किंतु इसका प्रारंभ भी सिद्ध के हाथों से माना जा सकता है। उन्होंने योग साधना को बहुत महत्व दिया है। इसलिए महत्व दिया है कि योग साधना में चित्त पवित्र होता है। चित्त की पवित्रता के लिए साथ ही शरीर की शुद्धता के लिए सिद्धों ने योग साधना को अपनाया और उनकी योग साधना का प्रभाव भी आगे भक्तिकालीन संत साहित्य पर खूब पड़ा है। मैं कह देना चाहता हूं कि सिद्ध साहित्य की जो अगली कड़ी है वह नाथ साहित्य है और नाथ साहित्य पर योग साधना का खूब प्रभाव पड़ा है। तो योग साधना भी सिद्ध साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता, बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। इसके बाद ऐसा है कि सिद्धों में थोड़ा सा एक प्रवृत्ति थी जो चमत्कार प्रदर्शन करने वाला, वो बड़े चमत्कारी होते थे, कुछ चमत्कार प्रदर्शित करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं, कुछ तपस्वी साधु महात्मा मिल जाएंगे जो चमत्कार कर लेते हैं। तो चमत्कार का प्रदर्शन भी उनके काव्य में पाए जाते हैं। और एक बात आपको कह देना चाहता हूं, साधना के क्षेत्र में सिद्धों की काया साधना और गुह्य साधना, नाड़ी साधना आदि प्रमुख है, जिसको बाद में अष्टांग योग मार्ग ने अपनाया है। काया साधना की बात उड़ीसा में बहुत पाई जाती है। उड़िया में कहते हैं, आप सभी विद्यार्थी जेहेतु उड़ीसा के हैं, मैं कह देना चाहता हूं कि कहते हैं जो हमारे घट में है वह प्रघट में है, जो देही में है वह विदेही में है, और जो हमारे शरीर में है वह सब अशरीरी भी है। यानी कि सिद्धों ने इसे ही कहा है अपनी गुह्य साधना, नाड़ी साधना, कुंडलिनी साधना, योग साधना के विभिन्न जो सोपान हैं वो सिद्धों में पाए जाते हैं। तब कुल मिलाकर के सारांश रूप में अगर कहा जाए तो ये सिद्धों की जो साहित्य है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुक्ति, मोक्ष जिसे कहते हैं, संसार से मुक्ति और संसार की जो माया है इससे मुक्ति। यही मुक्ति साधना सिद्धों की साधना थी। तो कुल मिलाकर ये सिद्ध साहित्य इसीलिए आज के रूप में प्रासंगिक है कि आज भी मानव कहीं ना कहीं मुक्ति कामी है, मुक्ति की के लिए बेचैन है। आज भी हम लोग सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करते हैं। सामाजिक रूढ़ियां नहीं है फिर भी जहां कहीं बची है उसके प्रति विद्रोह करते हैं, और इन सारी विशेषताओं को लेकर आज भी सिद्ध साहित्य प्रासंगिक है और हमें पढ़ने और जानने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कड़ी में और एक साहित्य आता है जो इससे मिलता जुलता है, उसका नाम है नाथ साहित्य। नाथ, नाथ का अर्थ है सिद्धों से बिगड़ा हुआ। जो सिद्ध थे वो नाथ बन गए। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि यह भी एक संप्रदाय है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ,
और आप जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इसी गोरखनाथ संप्रदाय से दीक्षित हैं और वे उसी संप्रदाय के बहुत बड़े साधु भी कहला रहे हैं। तो कहना चाहता हूं कि गोरखनाथ के गुरु जिनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ, उसे मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है किंतु पूरा शुद्ध उच्चारण है मत्स्येंद्र नाथ, वे गुरु हैं। और उनके भी गुरु जो आदिनाथ कहलाते हैं वो स्वयं भगवान शंकर हैं। तो आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और उसके बाद गोरखनाथ, ये नाथ संप्रदाय के तिकड़ी है। और गोरखनाथ इस संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय क्या हुआ था, उसमें भोग की प्रधानता हो गई थी, उसमें योगिनी साधना और नारी को उसमें स्थान दिया गया था, किंतु उससे बिगड़कर ये जो नाथपंथी आए इन्होंने नारी को हटाया, योगिनियों को हटाया और संयम से काम लिया एवं त्याग को प्रधानता दी। यानी कि इस शाखा में, नाथ संप्रदाय में, नाथ साहित्य में नारी वर्जित है, त्याग और साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें इंद्रिय निग्रह और गुरु की दीक्षा, गुरु की महिमा, अपने दार्शनिक सिद्धांत और मतों को प्रचार करने का बलवत्तर प्रयास किया गया। और इसमें प्रमुख रूप से 9 नाथ हुए, जैसे 84 सिद्ध हुए ऐसे 9 नाथ हुए। और ये 9 नाथ आप लोगों के पास होगा, मच्छंद्रनाथ, गहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ आदि, किंतु इसमें सबसे प्रसिद्ध हुए गोरखनाथ। गोरखनाथ उन्होंने इस पंथ को आगे बढ़ाया और उन्होंने अन्य जो नाथ साधु थे, नाथपंथी थे, उनको भी अपना ये किया, अपना प्रभाव दिया, अपने मत दिया। तो इसमें भी दोहाकोश पाए जाते हैं, इसमें भी चर्यापद पाए जाते हैं और उनमें भी नाथों के विचारों को हम देख सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने संप्रदाय को एक आंदोलन का रूप दिया जो भारतीय मनोवृत्ति के सर्वदा अनुकूल था। इसमें ईश्वरवाद की एक धारणा उपस्थित की और इस साहित्य ने परंपरागत रूढ़ियों पर आघात किया। यानी कि विद्यार्थियों, जो ईश्वर की खोज करते हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वरवाद क्या है, इसका पहला प्रचारक हिंदी साहित्य में नागपंथी साधु थे। और जो रूढ़ी का विरोध शुरू हो गया था सिद्ध साहित्य में, उसको और बलवत्तर रूप में, प्रशस्त रूप में और भी आगे बढ़ाया नाथ साधुओं ने और एक आंदोलन का रूप दिया। इसमें भी योग साधना पर बल, शारीरिक शुद्धि पर बल, अपने मतवादों का, अपने अपनी बातों का, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार और तत्कालीन प्रचलित जनभाषाओं में जो सिद्ध साहित्य ग्रहण कर चुका था उस भाषाओं में अपनी रचना करना, अपनी बातों को प्रचारित प्रसारित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि नारी या योगिनी जो है उसको हटाना, यानी कि साधना मार्ग में नारी को वर्जित माना गया।
इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें गृहस्थ के प्रति एक निराशाजनक बातें हैं, यानी गृहस्थ नहीं होते थे ये लोग, सब सन्यासी होते थे। खैर ये तो उनके धर्म बाद है, उनके सैद्धांतिक है, उसमें हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, किंतु इसकी खासियत है कि इन्होंने योग साधना को साफ किया, योग साधना को अधिक लोकप्रिय बनाया और इसमें भी बहुत लोग उपकृत हुए। इसके बाद आदिकालीन साहित्य में और एक साहित्य आता है जिसको जैन साहित्य कहते हैं। मैं समय को देख रहा हूं, लगभग आधा घंटा हो गया है, इसलिए मैं बहुत विस्तारित नहीं करना चाहता हूं। जैन साहित्य जैनियों का साहित्य, जैनी जो श्रावक धर्म के जैन साधु मुनि उनका साहित्य, यानी कि अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश को स्वीकार करती हुई सबसे ज्यादा राजस्थान के इलाके में जैनों का प्रभाव विस्तार हुआ और उसमें प्रमुख रूप से यह साहित्य पनपा और जैन साहित्य ने अपना अपने जैन मत को, जैन धर्मों को प्रसारित करने का बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें स्वयंभू, पुष्यदंत, हरिभद्रसूरी, धनपाल, देवसेन आदि जैन कवि हुए। पुष्यदंत का महापुराण, नागकुमार चरित, जसहर चरियु, धनपाल का भविष्यत कहा आदि बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें अपने धर्मों का, अपने धर्म के जो मत है उसको प्रचार करने का है और साथ ही लोगों को दीक्षित कराना, यानी कि अपने समय में इसको बहुत प्रसार कराना उनका उद्देश्य था, जिसे श्रावक धर्म या श्रावकाचार भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो धार्मिक साहित्य हैं, जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये अपने विकास को प्राप्त हुए और आगे के धर्मों को इन्होंने प्रभावित किया। मैं अगर रासो साहित्य की बात नहीं करूंगा तो आदिकालीन साहित्य पूर्ण नहीं होगा। रासो साहित्य आदिकाल की उपलब्धि है, यानी कि आदिकाल में कोई अगर साहित्य सबसे ज्यादा विस्तार लाभ किया है तो वह रासो साहित्य है, जिसमें वीरों की कहानियां हैं, वीरों के चरित्र हैं, जो रासव या रासक शब्द से है, रास जिसे कहते हैं, चरित काव्य है। यानी कि इसमें अपने समय के वीरों का चरित कथन है। आप लोग जानते होंगे इन रासो काव्यों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण भी वीर गाथा काल कर दिया था। वीर गाथा ही रासो है, वीरों की गाथाएं हैं और इसमें पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो आदि प्रसिद्ध है। ये रास हम्मीर, बीरपाल, बिसल देव, पृथ्वीराज, परमाल, विजयपाल आदि वीरों की कहानी है, उनके श्रृंगार और युद्ध वर्णन है। तो आप लोगों को संक्षेप में कह देना चाहता हूं कि रासो काव्य आदिकालीन काव्य का सिर मोर है, इसलिए कि इसमें तथाकथित समय के सारी भाषाओं का योग इसमें है, साहित्य के जो काव्य विधा है रासो साहित्य ने उसे पूर्ण किया और हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव भी प्राप्त किया
और यही प्रथम महाकाव्य निश्चित रूप से पृथ्वीराज रासो है, यानी कि रासो साहित्य में छंद की विविधता, भाषा की विविधता, शैली की विविधता और चरित्र वर्णन की विविधता पाई जाती है। आज भी हिंदी साहित्य पृथ्वीराज रासो को लेकर गर्व करता है। तो रासो साहित्य की प्रवृत्तियां बहुत हैं, आपकी पाठ्य पुस्तकों में जो सामग्री में उसमें होंगी, श्रृंगार रस का वर्णन, वीर रस का वर्णन, प्रकृति का चित्रण, छंद की विविधता, डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग और युद्ध वर्णन, जिसे हिंदी साहित्य में जिसको युद्ध काव्य कहते हैं, युद्ध वर्णन की सजीवता पाई जाती है। इसको लोग प्रामाणिक अप्रामाणिक मान सकते हैं, किंतु प्रामाणिक और अप्रामाणिकता साहित्य का विषय नहीं है, इतिहास का विषय है। साहित्य तो अपने समय को देखता है और साहित्य अपने समय की अभिव्यक्ति को आज भी अपने पास पाकर उसमें अपने निहितार्थ तो खोज लेता है। तो और एक प्रसंग छूट रहा है, याद आ रहा है, जो आदिकालीन लौकिक साहित्य है, यानी कि लोक का साहित्य, लोक का काव्य, जिसमें मैं आपको कह देना चाहता हूं, विद्यापति की पदावली बहुत प्रसिद्ध है और खुसरू की पहेलियां मुकरियां बहुत प्रसिद्ध है। इसी आदिकाल में विद्यापति विद्यापति के अवहट्ट काव्य कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी पाए जाते हैं, किंतु उनकी जो गीत काव्य है, उनकी गीत पदावली बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आदिकालीन काव्य सिद्ध साहित्य से लेकर जैन साहित्य से, नाथ साहित्य से लेकर लोक साहित्य तक विकसित है। और यह एक छोटा सा परिचय है, 1 घंटा का समय तीनों काव्य को पूरा करने के लिए बहुत कम पड़ जाता है, इसीलिए मैं आदि काव्य पर इतना ही कहता हूं और ये काव्य पाठ्य सामग्री के रूप में आपके सामने है। हिंदी काव्य का दूसरा पर्याय है भक्ति काव्य, और यह इतना विशाल और व्यापक है कि समय के भीतर उसका परिचय देना कठिन हो जाता है। भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का सोना है और उस काल को तो स्वर्ण युग माना जाता है, इसीलिए नहीं कि उसमें साहित्य की प्रचुरता है, इसीलिए भी नहीं कि उसमें बहुत से कवि हुए, बल्कि हिंदी साहित्य का सोना इसीलिए है कि मानव के भीतर जो प्रेम है, जो भक्ति की भावना है, आज भी विद्यमान है। ईश्वर को पाने की लालसा है, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम है, वह भक्ति हिंदी भक्ति काव्य की जान है, प्राण है। इसलिए भक्ति काव्य और हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य अपने समय का स्मरण है। तो भक्ति काव्य नाम इसीलिए रूढ़ हो गया कि उसी समय भक्ति सारे काव्य में विद्यमान थे, जितने काव्य हो, जितने कवि हुए, भक्ति काल के सारे कवियों का एक ही लक्ष्य था, भक्ति का प्रचार प्रसार करना, भक्ति करना। पहले वो लोग भक्त थे, बाद में कवि हुए, यानी कि भक्ति एक एक ही मात्र प्रवृत्ति थी। घुमा फिरा करके कहीं भी देख लीजिए, अंत में भक्ति पर ही सारे कवियों का ध्यान केंद्रित होता है। तो भक्ति काव्य मोटे रूप से 4 भागों में विभाजित है, ये हाथ गिनती में है, हर किसी को याद रहना चाहिए। भक्ति काव्य 2 भाग हैं, दो, एक को हम निर्गुण भक्ति कहते हैं और दूसरा दूसरे को सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति फिर 2 भागों में विभाजित है, एक हम
कहते हैं प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी, जिसको सूफी शाखा कहते हैं, और दूसरा है ज्ञान मार्गी, जिसको हम संत शाखा कहते हैं। और इधर सगुण भक्ति भी मोटे रूप से दो भागों में विभाजित है, एक है राम काव्य, दूसरा है कृष्ण काव्य। यानी कि यह चतुर्धा, यानी कि चतुर्धारा हिंदी काव्य की आत्मा है, और सब में एक ही विषय है, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर तक पहुंचना, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो या प्रेम के माध्यम से हो, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। यानी कि ये चतुर्धारा है, इसमें भक्ति प्रबल है, इसीलिए यह भक्ति काव्य है। आप लोग जानते भी होंगे, जैसे निर्गुण, निर्गुण मतलब परब्रह्म का निर्गुण रूप, परब्रह्म कोई मूर्ति नहीं है, परब्रह्म या परमात्मा कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, परमात्मा सब में व्यापक है, चर अचर रस से लेकर गिरी तक सब जगह विद्यमान है, उसे अपने भीतर खोजा जा सकता है, उसको ज्ञान के माध्यम से पाया जा सकता है, और उसको प्रेम के माध्यम से उसकी उपलब्धि की जा सकती है, जिसे हम सूफी कहते हैं, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। सूफियों ने यह प्रमाणित किया कि जो इश्क है, प्रेम है, वह हकीकत तक पहुंचते ही उसकी पूर्ति होती है। यानी कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति, प्रेम मार्गी सूफियों की प्रवृत्ति रही है। यानी कि प्रेम, आजकल जो आप लोग देखे होंगे, जो बहुत बड़ा फिल्म बना है पद्मावती, जिसको पद्मावत भी कहा जाता है, वो पद्मावती में भी प्रेम है, उसको दिखाया भर गया है, किंतु उसमें प्रेम को पाने का, पद्मावती को पाने का अलग है, जो हिंदी साहित्य का महान महाकाव्य पद्मावत से प्रभावित है, उसी को आधार बना करके फिल्मकार ने फिल्म बनाया है। तो पद्मावत के प्रसंग में ये कहना चाहता हूं, ये प्रेम मार्ग है, किसको, ईश्वर को पाने के लिए। और इस पंथ में जो प्रेम मार्ग है, इसमें ईश्वर को कोई पुरुष नहीं माना गया है, इसमें ईश्वर को नारी का रूप दिया गया है, महबूबा को रूप दिया गया है, रानी का रूप दिया गया है, और अनंत अप्रतिम परम सौंदर्य के रूप में परिकल्पित किया गया है। और उस सौंदर्य को पाने के लिए साधुओं को प्रेम मार्ग के जो उनको प्रवृत्त किया गया है, कोई अपना सर्वस्व त्याग करके ही उस महान परम सौंदर्य, जिसको खुदा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, उसको पा सकता है, यही प्रेम मार्ग है। तो हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की एक लंबी परंपरा रही। सूफी काव्य के अंतर्गत बहुत से कवि हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए, मंझन हुए, कुतुबन हुए आदि, और इन लोगों ने अपने काव्य, अपने महाकाव्य के द्वारा प्रेम को चरितार्थ कर दिया। ये प्रेम काव्य है, इसमें प्रेम की महानता है, प्रेम की महत्ता है। आगे चलकर बता देना चाहता हूं थोड़ा सा मैं, इसकी प्रवृत्तियां जो है हिंदी साहित्य में महाकाव्य लिखने की जो परंपरा, पृथ्वीराज रासो काव्य या रासो काव्य से जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को आगे यदि बढ़ाया तो सूफियों ने, सूफी कवियों ने महाकाव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया, और हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य पद्मावत जैसा काव्य है, महाकाव्य है, आगे चलकर उसने रामचरितमानस जैसे काव्य को प्रभावित किया। और भाषिक दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि यहां भाषा की विविधता नहीं पाई जाती है, यहां पूर्वी अवधि भाषा को प्रेम मार्गी कवियों ने उसको ग्रहण किया, और अवधि भाषा के माध्यम से, दोहा चौपाई छंद के माध्यम से अपने काव्य शैलियों को उन्होंने सजाया, और आगे के
साहित्य को प्रभावित किया। तो इसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन, इसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन, बारहमासा का वर्णन, महाकाव्य शैली का वर्णन, नायक का जो चरित्र चित्रण है, और इसमें प्रकृति को भी सजाया बारहमासा के माध्यम से। अगर वियोग के जो बारहमासा का वर्णन देखा जाए तो पद्मावती के नागमती वियोग देखा जा सकता है, जो विप्रलम्ब श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो अपने पंथों का, अपने प्रेम का, इश्क का, जिसको इश्क शरीयत तरीकत और हकीकत तक फैला देने वाला इश्क है, इसको चरितार्थ किया और अपने मतवादों को, अपने मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। साथ ही महाकाव्यात्मक शैली का ईजाद किया, साथ ही साहित्य के जो छंद रस आदि का वर्णन है सबको समाहित किया और आगे के साहित्य को प्रभावित किया। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैं कर देना चाहता हूं संत काव्य। आप सभी संत काव्य मतलब कबीर, संत मतलब जो सहज हैं वही संत हैं। संत जिसमें समाहार शक्ति है, सबको लेकर चलने वाले, जिसमें साधुता है, स्वच्छता है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वह संत है। और ऐसे संत कबीर से लेकर उनकी अनुयायियों का तो लंबा है, लिस्ट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं कबीर का विशेष रूप से यहां जिक्र करना चाहता हूं कि संत काव्य में, कबीर में जो कुछ है वो पूरे संत काव्य में है। तो उसमें जाति पाति भेदभाव का खंडन, उसमें जो रहस्यवाद है परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, परमात्मा निर्गुण है सगुण नहीं है, अपनी निर्गुण भक्ति को अर्पित करने की, प्रार्थित करने की प्रवृत्ति, और उसमें जाति पाति का भेदभाव, समाज के जो प्रचलित पाखंड हैं उस पाखंड के प्रति प्रहार, धर्म एक ही है जिसमें मानवता है, पंथ एक ही है जिसमें साधुता है, उसको आगे बढ़ाया, और दोहा शैली में बहुत सारी भाषाओं को इकट्ठा करते हुए ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और पदों की रचना करते हुए अपने साहित्य को समृद्ध किया। कह देना चाहता हूं कि कबीर ने जिन साखियों की रचना की है या कही है, जिन पदों की रचना की है, वो आज भी कितने प्रासंगिक है आप लोग देखिएगा, और यह आप लोग देख भी रहे होंगे। राजनीतिक मंच से भी कबीर का ही उदाहरण दिया जाता है, सामाजिक मंच से या किसी प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम में कबीर की साखियों को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसीलिए कबीर को जानना हमारे संत साहित्य की प्रवृत्तियों को, कवियों को जानना बहुत आवश्यक है। मैं विस्तारित इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि थोड़ा सा परिचय राम काव्य और कृष्ण काव्य पर दूंगा, और फिर जितना मेरे पास समय होगा मैं थोड़ा रीति साहित्य पर आपको करूंगा। विद्यार्थियों, संत साहित्य की प्रवृत्तियां, संत साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में बहुत सामग्री है। इन सामग्री आपके पाठ्यक्रम में, आपकी जो सामग्रियां हैं, पाठ्य सामग्रियां हैं, उसमें संकलित हैं। जो मूल प्रवृत्ति है वो तो मैंने कह दी है, आगे थोड़ा सा जाता हूं सगुण भक्ति काव्य। और सगुण भक्ति काव्य में जो राम काव्य और कृष्ण काव्य है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं, ये बहुत सहज है, ये बहुत उलझाऊ नहीं है। सगुण भक्ति काव्य में एक काव्य है राम भक्ति काव्य। राम भक्ति मतलब राम को आराध्य मानकर, मानकर राम के चरित्र का कथन, यही राम भक्ति काव्य है। यानी कि परमात्मा राम है
और राम के चरित्र का गायन करना है, राम के प्रति अनुराग, राम के प्रति भक्ति, राम भक्ति काव्य है। इसमें तुलसीदास जैसे कवि हुई, इसमें तुलसीदास एक ही हुए और उसके बाद बाकी लोग जो हुए वो भी तुलसीदास पर समर्पित हुए, इसलिए बहुत सारे नाम नहीं पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा मैं चीर रहा हूं, इसको थोड़ा सा व्याख्यात कर रहा हूं। तुलसीदास के पूर्व कुछ कवि पाए जाते हैं, नाभादास पाए जाते हैं, सेवादास पाए जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, एक एक राम भक्ति उपासना के मधुर पक्ष को इसने इन 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 लोगों ने प्रचारित किया, यानी कि राम भक्ति काव्य में मधुर उपासना इस पर पाया जाता है जो राम भक्ति पहले पाए। और इसमें एक कवि का नाम आता है जिसका नाम है ईश्वरदास, भरत मिलाप ईश्वरदास का और अंगद पैच, ये दोनों पाए जाते हैं, जिसमें राम के चरित्र का कथन है और राम के चरित्र में आने वाले अन्य पात्रों के चरित्र का कथन है। किंतु राम भक्ति साहित्य के सिरमौर हैं तो निस्संदेह तुलसीदास है और उनका काव्य रामचरितमानस समेत 12 प्रामाणिक काव्य है। और इन काव्यों में राम का गुण कथन, राम के प्रति भक्ति, राम ही सब कुछ है, राम ही ईश्वर है, राम प्रेम ही सार है, इसको किया। और एक चीज बता देना चाहता हूं, हिंदी साहित्य का जो काव्य कहा जाता है वह राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, क्योंकि काव्य की जो शैलियां, काव्य की सारी प्रवृत्तियां और जितनी प्रवृत्तियां हैं वो सब राम काव्य में पाई जाती है। महाकाव्य की, गीत काव्य की, मुक्त काव्य की सारी शैलियां राम काव्य में आज भी हैं। और आगे थोड़ा सा कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य जैसा कि कृष्ण को ईश्वर मानकर, आराध्य मानकर उनकी भक्ति की गई, उनके चरितावली गायन किया गया, उनके लीला, उनकी लीला गायन किया गया और उनकी लीला को प्रसरित पदों में किया गया। और कृष्ण काव्य की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है यह सब गीत काव्य है, गेय काव्य है, गीतों में। और इसमें सूरदास जैसे कवि तो हुए, अष्टच्छाप के कवि तो हुए ही, मीरा जैसी कवयित्री भी हुई, रसखान जैसे मुसलमान भी हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति पदों में गाया, गा गा करके सुनाने वाले और भक्ति में विभोर होकर जन सामान्य को विभोर करने वाले ये कवि आज भी वंदनीय है। और इन इन कविता में श्रृंगार रस के जो, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रमर गीत, जिसमें वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है वो भी इसमें चरितार्थ है। और कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण के लीला का कथन के माध्यम से एक रस की सृष्टि करने वाला हिंदी काव्य है यही कृष्ण काव्य। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस एक रस बना तो इसी कृष्ण भक्ति काव्य को लेकर सुर का वात्सल्य वर्णन इसके लिए उदाहरण है। और कृष्ण काव्य में लीला वर्णन, गीत शैली का वर्णन और कृष्ण भक्ति का गान, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण मयता, कृष्ण चेतना को प्रभावित किया है। और इन्होंने भाषा के रूप में ब्रजभाषा को इन्होंने अपनाया है। ब्रजभाषा का इतना सुंदर और ललित काव्य संसार में कहीं नहीं है, यही कृष्ण काव्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। इसके बाद मैं थोड़ा समय आपके लिए, 5-10 मिनट बचा हुआ है, मैं रीति काव्य के बारे में थोड़ा सा कह देता हूं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि भक्ति काव्य के बारे में इतना कम कहना मेरे लिए ये अपराध सा इसलिए प्रमाणित होता है कि भक्ति काव्य में बहुत कुछ है। 1 घंटा का समय भक्ति काव्य के लिए भी कम पड़ जाता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत से पक्ष छोड़ रहा हूं, बहुत सी प्रवृत्तियां, बहुत से कवियों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सूचना देना मेरा कर्तव्य नहीं है। आप लोगों को भक्ति साहित्य का आस्वादन कराना, हिंदी काव्य का आस्वादन कराना मेरा काम है। सूचनाएं तो आपके पाठ्य सामग्री में है,
मेरे अनुभव में और मैंने जो कुछ पाया भक्ति साहित्य में, उसको एक घंटा क्या उसको प्रोफेसर साहब आप थोड़ा सा नहीं सकते हैं। मैं विराम दे रहा हूं भक्ति काव्य के लिए, मैं रीति काव्य की ओर जा रहा हूं। जैसे रीति काव्य का साधारण अर्थ है रीति काल में पाए जाने वाले काव्य, रीति काल में लिखित काव्य, यानी कि रीति काल जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल है, जिसको विविध नामों से पुकारा जाता है, उसमें जितने काव्य लिखे गए उसको कहते हैं रीति काव्य। तो मोटे रूप में उसमें तीन प्रकार के काव्य पाए जाते हैं, उसके नाम हैं रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। मैं कह देना चाहता हूं रीति काल में और दो प्रकार के काव्य पाए जाते हैं, संत काव्य भी रीति काल में पाए जाते हैं और वीर काव्य भी रीति काल में पाए जाते हैं, किंतु रीति काव्य में मुख्य रूप से तीन काव्य परिगणित हैं, ये हैं रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य क्या है? रीति मतलब है एक शैली विशेष, रीति एक एक पद्धति विशेष, एक प्रवृत्ति विशेष। काव्य शास्त्र की पद्धति विशेष का नाम है रीति, यानी कि रीति काल में काव्य शास्त्रीय पद्धति को ग्रहण करते हुए कवियों ने जो काव्य सृजन किए वह रीति काव्य है। उसका पहला काव्य है रीतिबद्ध काव्य, जिसको रीति ग्रंथाकार कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्य यानी कि जो कवि आचार्यत्व का प्रमाण करते हुए और न करते हुए लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखे हैं वो है रीतिबद्ध काव्य। देव रीतिबद्ध कवि हैं, भूषण भी, कुलपति मिश्र भी रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते, भिखारी दास भी आते हैं, क्योंकि इन्होंने लक्षण उदाहरण काव्य लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं। और रीति सिद्ध कवि, बिहारी को हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं इसीलिए कि रीति में सिद्धि प्राप्त है उनको, यानी कि सारे काव्य शास्त्रीय पद्धति उनको ज्ञात है, किंतु उन्होंने कोई लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उनके जो बिहारी सतसई है उसमें काव्य शास्त्र के सारे सारी पद्धतियां पाई जाती हैं। और आप लोग जानते भी हैं जो रीति मुक्त कवि हैं वो घनानंद, बोधा, दिग्विजयदेव आदि जो हैं, इन लोगों ने रीति मुक्त किया, यानी कि रीति की पद्धतियों से अपने को मुक्त रखा, रीति की परिपाटी से अपने को मुक्त कर दिया। और इन्होंने प्रेम को महत्व दिया, और प्रेम क्या है? व्यक्तिगत प्रेम, और व्यक्तिगत जो सुख दुख का जो अनुभव है, अनुभूति है, उसको अपने काव्य में फैलाया। जैसे मैं उदाहरण देता हूं यहां घनानंद, घनानंद सुजान के प्रति प्रेम, वही सुजान बाद में कृष्ण बन जाते हैं, बाद में ईश्वर बन जाते हैं, किंतु सुजान के प्रति जो व्यक्तिगत प्रेम है, उस व्यक्तिगत प्रेम की जो पीड़ा है उसको अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने बिरह बारिश हो, सुजान लीला हो आदि में, या घनानंद कवित्व हो, अपने कवित्व में उसको अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रकार ये जो रीति मुक्त काव्य है इसमें रीति से मुक्तता, काव्य शास्त्र परिपाटी से मुक्तता, किंतु छंद, अलंकार, रस, शैली सब कुछ पूर्ववत सबको ग्रहण करती हुई अपने वैयक्तिक विरह प्रेम मिलन और बिछुड़न की अनुभूति को अपने काव्य के माध्यम से आगे बढ़ाया है, अभिव्यक्ति दी है। तो कुल मिलाकर के मैं रीतिकाल के जो काव्य है उसको बहुत छोटा कर रहा हूं, इसलिए छोटा कर रहा हूं कि आपका एक घंटा का समय हो गया है और आधा घंटा विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थियों का समय नहीं लेकर के, क्योंकि उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना अति आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के मैंने सबसे ज्यादा बल दिया आदिकालीन साहित्य पर, इसीलिए कि उसमें बहुविधता है। भक्तिकालीन साहित्य
सबके पास सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के भीतर में जो अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने उजागर किया। और रीतिकालीन काव्य, जो रीति काव्य जिसे कहते हैं, जो मुख्य रूप से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य हैं, इन काव्य का परिचय दिया। कवियों के नाम सामग्री में हैं, कवियों के काव्यों के नाम आपके पाठ्य सामग्री में हैं, इसके लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। किंतु इसकी आंतरिक प्रवृत्ति है, जो रीति है, उसमें चमत्कार प्रदर्शन, आचार्यत्व प्रदर्शन और काव्य शास्त्र को हिंदी के माध्यम से, ब्रजभाषा के माध्यम से ज्यादा अभिव्यक्ति देना, और ब्रजभाषा के ये साहित्य काव्य शास्त्रीय परिपाटी के लिए भारतीय साहित्य में परिगणित होते हैं। और आज भी हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि रीतिकाल में जो काव्य शास्त्र की परिपाटी है उसको बहुत आगे बढ़ाया, रीति ग्रंथाकार कवि हुए। और जो वैयक्तिक प्रेम जो रीतिमुक्त कवियों में पाया जाता है, वही आगे चलकर आधुनिक साहित्य में छायावाद को, छायावाद के जो वैयक्तिकता है, व्यक्तिगत अनुभूतियों को है, उसको भी प्रभावित किया है। इस प्रकार साहित्य या जो भक्ति काव्य, हिंदी का काव्य है, जो आदि काव्य, भक्ति काव्य और रीति काव्य है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका ऐतिहासिक परिचय पाना जरूरी है, इसको जानना भी जरूरी है, इसीलिए कि आज जो साहित्य लिखे जा रहे हैं उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने सारांशतः जितना हमसे बन सका, बा मेरे पास तो सामग्रियों का अभाव है, घर पर ही हूं, फिर भी आप लोगों को मैंने देने का प्रयास किया। इसमें यदि कहीं भी बिंदु थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता हो, उसे मेरी ही कमी मानना और जो महत्वपूर्ण है उस बातों को ग्रहण करना। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके आज के व्याख्यान और विषय के लिए। विद्यार्थियों ही नहीं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला विद्यार्थियों के संग संग, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और आगे बढ़ते हुए सर विद्यार्थियों के प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न जो सबसे पहला आया सर, उसमें मैं भी दो तीन चीजें जोड़ना चाहूंगा। प्रश्न है कि खुसरो को गजल का जनक कह सकते हैं क्या? मैं भी इसमें दो बातें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब हम देखते हैं अमीर खुसरो का जन्म पटियाली या कासगंज में, जो आज के समय कासगंज है, वहां होता है, और उसके बाद उनके जीवन की शुरुआत हम लोग देखते हैं तो वो बलबन के बेटे जो थे महमूद, उसे संगीत की शिक्षा देते थे। प्रमुख जी वो प्रमुख दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के, और आविष्कार की से बात की तो हम लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया, तबला, सितार, फिर गजल, मुखड़ी का भी कहा जाता है कि उन्होंने आविष्कार किया। तो क्या ये कह सकते हैं कि अमीर खुसरो जो थे वो गजल के जनक थे? हाँ, यही बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं जिस पक्ष को छोड़ देता हूं, आप लोग कहते हैं हिंदी गजलों के जनक अमीर खुसरो थे, इसमें कोई द्विमत नहीं है, यानी कि उनको माना जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि खालिक बारी, उनके जो रचना खालिक बारी है, उसमें उन्होंने गजल लिखे और अपने समय के बड़े गायक थे हुए, तो उन्होंने गजलों की परंपरा को, परंपरा की शुरुआत की, इसीलिए हिंदी गजलों के जनक अमीर खुसरो माने जाते हैं। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, बड़े बड़े गजलकार है ना, बड़े बड़े गजलकार आज भी अमीर खुसरो के गजलों को गाते हैं, बड़े बड़े गजलकार इसलिए गाते हैं कि उसमें एक साथ गजल की शैली है और भाषिक सौंदर्य है, और एक बात है उसमें गजल की जो रुमानियत है, उस रुमानियत को ही पाया जाता है। अतः मैं जहां तक जानता हूं हिंदी गजलों के जनक अमीर खुसरो हैं और अपने समय के गायक थे। धन्यवाद सर जी। और इसी क्रम में सर एक प्रश्न जो है, हाँ उस पर थोड़ा समय लगे इसलिए वो प्रश्न मैं आपको पहले पूछना चाहूंगा, बाकी छोटे छोटे प्रश्न वो बाद में पूछेंगे। जैसे एक लिखते हैं महोदय, वो लिखते हैं कि भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, तो बिना ईश्वर या नायिका के बिना प्रेम संभव नहीं है। हाँ, तो नायिका को पुरुष प्रधान सोच की वजह से
हीन या हे दृष्टि ही कीमत देखी गई है या क्यों हाँ, मानी जाती है? जैसे विद्वानों ने भी नारी को ही दृष्टि से देखा है, जैसे हाँ, कबीर हाँ, तुलसी हुए, तो वो अपनी इस पे वो आपकी कुछ राय जानना चाहते हैं ताकि एक बहुत क्लियर बढ़िया, उनको समझ सके सर। बहुत बढ़िया। ये तो मैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है उसको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। देखिए, हमको विद्वानों के बितंडावाद से परे रह होकर सोचना पड़ेगा, है ना। विद्वान अपने अपने मतानुसार अपनी अपनी दृष्टि से कुछ भी कह सकते हैं, किंतु भक्ति जो रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी कि श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं है, और प्रेम नहीं होगा तो भी भक्ति नहीं है। अतएव भक्ति को नारी विरोधी या नारी रहे तो भक्ति हो, नारी न रहे तो भी भक्ति हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्ति नर नारी से परे है, नर नारी से ऊपर उठने वाली एक बहुत बड़ी अनुभूति है भक्ति। भक्ति क्या है वो मैं तो नहीं कह सकता हूं, भक्ति का उत्तर भक्त ही दे सकता है। जहां तक नारी विरोधी बातें कहे, प्रेम हां प्रकृति के प्रति, जिसको बाद में नारी माना गया है, एक अनन्य आकर्षण, ये तो पुरुष की आंतरिक प्रवृत्ति है। यानी कि प्रकृति ही नारी है, प्रकृति के प्रति प्रेम नारी के प्रति प्रेम है। और नारी क्या है, संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य का समाहार नारी है। नारी एक भिन्न लिंग विशेष नहीं है। भक्ति काव्य में नारी की जो परिभाषा की है वो एक लिंग विशेष तक सीमित नहीं है, वह सौंदर्य है। जैसे मैं बता देता हूं, अभी भी कह रहा था, पद्मावती क्या है, एक नारी विशेष नहीं है। पद्मावती संपूर्ण सौंदर्य का आधार है, जिसके सौंदर्य के बारे में सुनकर रत्नसेन बेहोश हो जाता है। उस परम सौंदर्य की ओर आकर्षण, यह प्रेम है। तो इसीलिए विद्वानों के बितंडा बात से हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होनी चाहिए। विद्वान तो अपने अपने मतानुसार कहते रहते हैं, और एक बात भी यह है, कोई भी कथन संपूर्ण सत्य नहीं होता है, उस कथन के आगे कुछ कहा जा सकता है। इसलिए विद्वानों ने भक्ति को लेकर जो कहा है, प्रेम को लेकर कहा है, नारी के विरोध अविरोध की बातें कही है, यह वांछनीय नहीं है। मेरा विचार है कि भक्ति एक अनुभूति है, एक परम अनुभूति, जो भक्त की हृदय ही जानता है भक्ति क्या है। ठीक, धन्यवाद सर। सर आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न है कि सर चारण काल क्या है, किसने लिखा है? एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कि हाँ, चारण बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, आप चारण काल के बारे में देखिए ये सब पढ़ाते रहते हैं। चारण काल रामकुमार वर्मा की जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें ये शब्द प्रचलित है, चारण। इसीलिए चारण क्या है जानते, चारण है कवियों की एक दल था जो राज घराना घराने में रहता था और राजाओं का गुणगान करता था। मैं बता देता हूं विद्यार्थी को समझाने के लिए, अभी अभी हमारे सीरियल चल रहा है रामायण सीरियल, उसमें देखिएगा गाना आता है, जनकपुरी में राम प्रवेश करते हैं और जनकपुर और जनक राजाओं के सूर्य का कथन, उनकी महिमा का कथन एक गाना गाते हैं, हम बंदी जन हैं। ये जो बंदी जन है ये चारण हैं। आदिकाल में जो वीर राजा थे, उन राजाओं के राज दरबार में एक एक चारण या चारणों का एक समूह था, वे राजाओं के चरित्र कथन गुणगान करता था, इसीलिए उनको चारण कहा जाता था, और इनका काव्य चारण काव्य है। ठीक जी सर, धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न है विद्यार्थी का कि सर हाँ, सिद्धो और नाथों में क्या अंतर है? क्या सिद्धो नाथों में? जी जी, बहुत बढ़िया, सुनिए, बाप बेटा में जो अंतर है, सिद्धो और नाथों में वही अंतर है ना। बाप और बेटे में जो अंतर है, सिद्धो और नाथों में वही अंतर है। सिद्ध बाप है तो नाथ बेटा है, सिद्धों से नाथ आए। किंतु थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूं, सिद्ध साहित्य भी वो बौद्ध धर्म के एक शाखा से और नाथ साहित्य भी उसी शाखा से आगे विकसित हुई है। सिद्ध साहित्य
बौद्ध धर्म के जो वज्रयान शाखा है उससे विकसित हुई है हुआ है और नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य की अगली कड़ी है। ये अंतर है। जो सिद्ध साहित्य की खामियां हैं उस खामियों को छोड़ करके उसकी अच्छाई को ग्रहण करके नाथों ने योग साधना में परिष्कार किया, इसलिए नाथ साहित्य ज्यादा अच्छा हुआ। और सिद्ध साहित्य में योगिनी को लेकर के थोड़ा सा वासना केंद्रित हो गए तो सिद्ध साहित्य अधिक दिन तक नहीं चल सका। यही सिद्ध और नाथ में अंतर है। सिद्ध साहित्य से नाथों का उद्गम हुआ है किंतु नाथों में योग साधना का परिष्कार और बाह्य डंबर का विरोध और शरीर शुद्धि की बात ज्यादा कही गई। ये दोनों में यही अंतर है। जी सर, धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न जो मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा। बहुत बढ़िया जी सर। जब हम लोग सर बात करते हैं आदिकाल की, तो आदिकाल की जब हम बात करें तो हम अमीर खुसरो हो गए या चंद्रवरदाई हो गए या विद्यापति हो गए, इनकी सर हम लोग बातें करते हैं, इनकी किताबों की बातें करते हैं या अमीर खुसरो को जैसे कई जगह पर मैं आदिकाल में कई जगह उन्हें तोता हिंद भी कहा गया है। उसके चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो को हम लोग पहला महाकाव्य के हिसाब से देखते हैं, विद्यापति को साहित्य के लिए बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन सर जब हम नरपति नाला और जागनिक की बात करते हैं आदिकाल में तो उनका उतना ज्यादा मतलब बात नहीं हो पाती है सर, कारण सर क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, मैं आपसे सहमत। देखिए इसमें एक मतलब है कि नरपति नाल जागनिक के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाते हैं कि इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, ज्यादा गवेषणा नहीं हुई। जब एक युग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो गवेषणा के माध्यम से, जो पुस्तकों के माध्यम से, रचना के माध्यम से हमारे सामने आ गई हैं, उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। किंतु मैं आपसे सहमत हूं, नरपति नाल पर, जागनिक पर बातें होनी चाहिए किंतु उनकी सामग्री आज भी नहीं पाई जाती हैं। वो कौन ऐसा रामचंद्र शुक्ल जैसे होगा जो खोज खोज करके या उनके जो पाठ्य सामग्री है जाएगा, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। उन सारी सामग्रियों को प्राप्त करके उन पर बहुत बड़ी गवेषणा होगी तो ये सारी बातें की जाएंगी। कुछ लोग ऐसा होते हैं, देखिए जैसे मैं अपने वक्तव्य में बहुत सी बातें आ गई और बहुत सी बातें छूट गई, तो जो भी लिखित रूप से हमारे सामने सामग्रियां आई हैं हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, किंतु जो छूट गई हैं, आप लोगों जैसे नए रिसर्चर, नए गवेषकों की यह आवश्यकता है कि वो लोग इसको सामने लाए, तभी बात होगी। ये एक बिंदु है कि जो बातें होती आई हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं और जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं, किंतु साहित्य के लिए यह अच्छा नहीं है। सब कुछ जुड़ना है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, जो गौण हो गए हैं उनको सामने लाना हमारे नए शोधार्थी का बहुत बड़ा दायित्व है। तो इसीलिए बातें छूट जाती हैं, नहीं तो नहीं छूटती। जी सर, हम लोग साहित्य भी जब देखते हैं तो नरपति नाला की बात करते हैं तो उनकी एक किताब जो विशाल देव राशो जिसे कहा जाता है प्रेम कथा है तो उतना तक सीमित रह जाता है। जागनिक की जब बात करते हैं तो परमाल राशो उनकी किताब के बारे में बात होती है, कहा जाता है कि ये महुआ के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आलाव का वर्णन है। जी सर, तो इसी में सीमित रह जाती है आदिकाल की जब हम लोग देखते हैं आला और जागनिक की बात होती है। ठीक, बहुत अच्छा। ये सीमितता इसीलिए है कि जानते हैं इनकी सामग्रियां विवादित हैं, इनकी सामग्रियां सही रूप से हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, इनकी सामग्रियां कहाँ है पाठ्य पुस्तक में जो लिखित रूप में कहाँ है, ये सब खोजने की बहुत आवश्यकता है। तब हम एकांगी बातें नहीं करेंगे, तब वे अगर ज्यादा अच्छा होंगे तो उनको सामने लाया जाएगा, इसीलिए बातें थोड़ी सी कम हो जाती है। जी सर। सर एक विद्यार्थी का प्रश्न है, सिद्धों और नाथों की संख्या कितनी है? हाँ, सिद्धों की संख्या 84 मान्य है, 84 84, और नाथों की संख्या 9 नाथ। इसको कहा जाता है 84 सिद्धवा नव नाथ, एक लाइन है। जी सर, धन्यवाद सर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा वो आपके सामने रखता हूँ।
वो पूछ रहे हैं कि भक्ति कवि जब लिखा गया उस समय शूद्रों का अभिजात्य क्यों माना गया, मतलब उस समय को शूद्रों का अभिजात क्यों माना गया। उदाहरण के लिए लिखते हैं कि संस्कार उपन्यास, मतलब हाँ, भक्ति काल जो है वो शूद्रों का अभिजात्य काल क्यों से माना जाता है। बहुत बढ़िया। नहीं, इसमें किसी एक कवि को मैं रखूं या सब संपूर्ण रखूं? जी सर, आप अपना समय ले सकते हैं सर, अच्छा बातें ठीक है, क्लियर हो गई। तो आपका प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार दोहरा देता हूँ वापिस से सर। प्रश्न उनका ये है कि भक्ति काल में जब भक्ति काव्य जब लिखा गया उस समय शूद्रों का अभिजात, उस समय को शूद्रों का अभिजात क्यों माना जाता है। जैसे उदाहरण बहुत के लिए बढ़िया, संस्कार उपन्यास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, भक्ति काल में जो भक्ति काव्य लिखे गए हैं उसमें विशेषतः निर्गुण काव्य में शूद्रों को शूद्र नहीं कहा गया है। संत काव्य में कहीं भी शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं है, अपितु शूद्रों को, जो छोटे लोग हैं, जो तथाकथित, जो छोटे मानते हैं, उन लोगों को लोग जो उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, कबीर आदि, कबीर, रैदास, ये तो शूद्र ही थे सब। इन लोगों ने क्या किया, सभी शूद्रों को जोड़ा। इनमें जाति पाति की भावना नहीं थी, उसमें मानव ही सर्वोपरि था। मनुष्य की चिंता, मानवतावाद जिसे कहते, मनुष्यता, यही सर्वोपरि थी, उसमें शूद्रों की बात नहीं कही गई। यानी कि शूद्र और अभिजात्य जो कहते हैं, शूद्रों की अभिजात्यता निर्गुण भक्ति काव्य और विशेषतः संत काव्य प्रमाणित करती है कि वहां शूद्र नाम का कोई चीज नहीं है। हम सभी एक हैं, कोई जाति पाति भाव भेदभाव नहीं है। तो शूद्रों की अभिजात्यता, शूद्रों का बड़प्पन, छोटे जातियों की महिमा, जिसमें बड़े बड़े लोग आकर उनके शिष्य बने, रविदास है ना, रविदास तो चमार थे किंतु उनकी शिष्य मीरा, देखिए वो तो अभिजात मतलब राज घराने की थी। तो ये क्या होता है, शूद्रों की अभिजात्यता प्रमाणित करती है, शूद्र भी बहुत महान है, ये प्रमाणित करता है संत काव्य। और थोड़ा सा अभिजात्य शूद्र कहता हूं, ये हमारे जो राम काव्य जो आया, जिसमें वर्ण व्यवस्था की दुहाई दी गई है, वर्ण व्यवस्था पर बहुत बातें हुई है, इसमें क्या क्या अभिजात्य साहित्य के हैसियत से इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई और इसमें शूद्र उपेक्षित रहे, इसमें शूद्र को हीन तो नहीं माना गया, किंतु शूद्रों की उपेक्षा इसमें रही। तुलसीदास में नहीं है, किंतु कहीं कहीं जो शूद्र कहे जाते हैं, छोटे लोग, उनकी महिमा का वर्णन भक्ति के संदर्भ में हुआ है, अन्य सामाजिक संदर्भ में नहीं हो पाया है। इसीलिए दोनों अर्थों में एक ऐसा है कि जो अभिजात्य साहित्य कहते हैं, जिसमें राजा महाराजा राम जैसे लोग जिसमें चरित नायक हैं, वहां कहीं कहीं चरित नायक की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए कहीं कहीं शूद्रों की उपेक्षा हुई है। और इधर शूद्रों की महिमा, यानी शूद्र जिसे छोटे जाति कहते हैं, संत काव्य में शूद्रों की महिमा आगे है। शूद्र ही भक्त हैं, शूद्र ही संत हैं, उसमें चमार है, धन्ना है, पीपा है, जुला है, सब हैं। इसीलिए ये दोनों अर्थों में भक्ति काव्य शूद्रों की अभिजात्यता या अभिजात्यवाद में शूद्रों की थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, उपेक्षा, थोड़ी सी उपेक्षा हुई है, इस दोनों अर्थों में है। मैं संस्कार उपन्यास पढ़ा हूं, संस्कार उपन्यास में ये सारे कथन है। आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि जानते हैं, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, उत्तर देने वाले से बड़ा प्रश्नकर्ता होता है, क्योंकि प्रश्न नहीं करता है तो उत्तर की खोज नहीं हो पाती है। इसीलिए आप बड़े हैं, आपने बहुत एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। सर
सर दो प्रश्न है, उनको जोड़ के मैं एक कर देना चाहूंगा। इसके बाद सर अब एक दो प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर विराम देंगे आज की कक्षा को। सर दो प्रश्न को मैं जोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि वो आपस में एक दूसरे जैसी है। एक प्रश्न है कि सर निर्गुण और सरगुण में, मतलब निर्गुण और सरगुण काव्य है क्या, और दूसरा प्रश्न है उन दोनों में अंतर क्या है। तो काव्य क्या है इसे जब हम समझेंगे तो अंतर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए मैं एक बता देता हूं, एक साधारण उदाहरण से बता देता। देखिए साधारण उदाहरण है, आप और मुझ में कोई अंतर नहीं है और आप और मुझ में बहुत अंतर है। अंतर देखने पर अंतर दिखाई पड़ता है और अंतर नहीं देखने पर अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। ये मेरी अनुभूति है कि पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जो दिखाई नहीं पड़ता है वह निर्गुण है, सगुण जो दिखाई पड़ता है वह सगुण है। यानी कि परमात्मा या ईश्वर जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल अनुभव का विषय है, उसे अनुभूति से, उसे सूक्ष्म स्तर पर पाया जा सकता है, ये निर्गुण हुए। और सगुण जो मूर्ति के रूप में, जो मानव के रूप में, राजा के रूप में, रानी के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, उसको देख करके हम लोग ईश्वर मान लेते हैं, वो सगुण हुए। ये एक मूल अंतर है। देखिए ये अंतर देखने पर अंतर है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखें तो निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, किंतु बाह्य रूप से अगर हम देखें, बाहरी रूप से, तो उसमें अंतर है। तो ये हुआ निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण गुण रहित, सगुण गुण सहित, ये निर्गुण हुआ। अंतर देखिए, अंतर क्या होता है इसमें, संतों ने क्या किया, अपने ज्ञान चक्षु से ईश्वर को देखा, ज्ञान के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से ईश्वर को देखने का प्रयास किया, इसलिए वो निर्गुण कहलाए। और इधर जो भक्त हुए, उन्होंने संसार के कण कण में, संसार के रज रज में ईश्वर को देखा, इसीलिए वो भक्त कहलाए। इसीलिए सगुण और निर्गुण में, और निर्गुण सगुण में बाह्य रूप से अंतर पाए जाते हैं, नहीं तो अंतर नहीं है। तुलसीदास के शब्द हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संपद खेदा। हम लोग अंतर देखेंगे, जैसे अभिषेक और मुझ में क्या अंतर है, अभिषेक के बहुत केस हैं, मेरे केस उड़ गए हैं, है ना। नहीं तो अभिषेक भी हिंदी के अध्यापक हैं और चक्रधर प्रधान भी हिंदी का अध्यापक हैं, इसलिए हम में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं, यही अंतर है। नहीं सर, बहुत कुछ सीखना बाकी है सर जीवन में आपसे। चूंकि समय हो गया सर, मैं एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न लेना चाहूंगा। एक मेरे मित्र भी हैं, एक तरह से कहिए, उन्होंने एक प्रश्न लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो उसे हिंदी साहित्य का इतिहास को जातीयता का इतिहास कहा जा रहा है आज के दौर में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब, लेकिन एक दौर चल चुका है जहाँ पे खुद को बुद्धिजीवी वर्ग समझने वाले लोग कहते हैं कि ये जातीयता का इतिहास है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। या तो ये प्रश्न स्वयं में कितना यथार्थ प्रक है, इस पर सर मैं एक, अगर हो सके तो दृष्टि। बहुत बढ़िया। अच्छा ये मैं पढ़ रहा था, ये बहुत सामयिक प्रश्न है ना, जातीयता का इतिहास। देखिए ये जो ये जातीयता का इतिहास जानते हैं, हो गया, ये रामविलास शर्मा की एक बहुत बड़ी पुस्तक है, हिंदी का जातीय साहित्य, हिंदी जाति का विकास, हिंदी जाति का साहित्य, ये रामविलास शर्मा की ये सब है। उन्होंने जाति शब्द जो है ना, उसकी बड़ी लंबी व्याख्या की है, जाति है ना। तो जातीयता का इतिहास, यदि जाति यदि हिंदी जाति है और हिंदी जाति का संबंध यदि हिंदी साहित्य से है, तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य निश्चित रूप से जातीयता का साहित्य है। पहला यह, क्योंकि हिंदी जाति में साहित्य का इतिहास लिखने वाला रामचंद्र शुक्ल ही हैं, जिन्होंने आगे के इतिहासकारों को, साहित्य के इतिहासकारों को
प्रेरित किया और प्रभावित किया। उनके इतिहास को छोड़कर आज भी हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है। अगर हिंदी साहित्य या हिंदी जाति के साहित्य को लेकर अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र द्वारा शुक्ल द्वारा लिखित जातीयता का इतिहास है। किंतु जातीयता केवल हिंदी तक सीमित नहीं है, है ना। देखिए एक बात और, एक पुस्तक सामने आती है साहित्य का शुक्ल पक्ष, ऐसा एक पुस्तक सामने आई है। यानी कि शुक्ल पक्ष क्या है, जो साहित्य में ब्राह्मणवाद है। यानी कि जातीयता का साहित्य क्या है, जो अभिजात्य साहित्य, जो ब्राह्मणों की साहित्य है, या रामचंद्र शुक्ल जो कह दिया वही सब कुछ है। इसलिए इस पर खिंचाई भी होती है। मार्क्सवादियों ने आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी को पाथेय माना और रामचंद्र शुक्ल का खंडन करता हुआ अपने मतों को दिया। इसीलिए दोनों बातें पाई जाती है। कहीं रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को लेकर लोग गर्व करते हैं, मार्क्सवादी भी गर्व करते हैं, और कहीं कहीं उनकी खामियों को पहचान करके, है ना, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना करते हैं। इसलिए इस प्रश्न अभी भी उलझा हुआ है। इसका सटीक उत्तर ना मेरे पास है, समय आएगा कि इसको प्रमाणित करने के लिए और बहुत सारे बातें होंगे। देखिए मार्क्सवादी की बारे में बता देता हूं, कलकत्ता ये मार्क्सवादों का केंद्र है, यहाँ सारे मार्क्सिस्ट जुड़े हुए हैं, सारे मार्क्सिस्ट जो हैं यहाँ सब है, समुना जैसे विद्वान है। बता देना चाहता हूं कि मार्क्सवाद क्या करता है, ये जन पक्ष धरता है, जो प्रगतिशील विचार है, प्रगतिकामी जितने विचार है, आगे जितने विचार है, उस विचार को वो ग्रहण करता है और जो रूढ़ विचार है उसका खंडन करता है, उसे छोड़ता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो विचार दिए हैं वो तो शाश्वत विचार हैं, वो सब नहीं होंगे तो नहीं होगा, किंतु उसमें जो रूढ़ है, जो हो गए हैं, उसको छोड़ करके प्रगतिकामी चलते हैं। इसीलिए लोग रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को जातीय का इतिहास कहते हैं। कैसे, जो लोग रामविलास शर्मा के पक्षधर हैं, हिंदी जाति के इतिहास के पक्षधर हैं, वो लोग रामचंद्र शुक्ल का सपोर्ट करते हैं। किंतु जो लोग मार्क्सवाद के और एक जो पंथी हैं जनवाद, उसी के संपर्क में आकर के अपने विचार को परिवर्तित करते रहते हैं, वो उसे जातीयता का इतिहास नहीं भी मानते। तो ये दो प्रकार के मतभेद अभी पाए जा रहे हैं, अभी कोई निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, यही मेरा भी विचार है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मेरी हो चाहे विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। जब हम बात करते हैं भक्ति काल की, भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे स्वर्णिम युग है, तो यह एक समय सीमा में हम उसे नहीं बांध सकते, एक घंटे का समय में हम उन्हें बच्चों को नहीं दे सकते, तो इसके लिए निश्चित ही हम एक नई क्लास और एक क्लास का आयोजन करेंगे जहां पे हम विस्तार से सिर्फ भक्ति काल के ऊपर चर्चा करेंगे। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ज्ञानवर्धन किया। और आदरणीय कुलपति महोदय का, वाइस चांसलर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना प्रेम से हमको कहा, हम नहीं कह सके, अपने सारे समय को किनारे रख करके आपके लिए हमने समय निकाला। ये तो मैं भाग्यवान हूँ, मेरे इलाके के विद्यार्थी, मेरे संबलपुर क्षेत्र के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मेरे विद्यार्थी आप, मेरे छोटे भाई, आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा विचार करने का, बोलने का अवसर आप लोगों ने दिया। आप बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, है ना। आप लोग आपका चक्रधर जी, आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं, काफी अच्छा आपने आज डिस्कशन किया और बच्चों ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा और हम उसको सुन रहे थे ध्यान से, बड़ा अच्छा लगा। और यही मौका है कि हम बच्चों से या विद्यार्थियों से जुड़े रहें ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और उनको लगे कि हाँ कुछ भी क्लासेस वगैरह हो रहा है, और नहीं तो सब घर में बैठे हुए हैं, उनका ध्यान पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है।
सर आपके उद्देश्य में आप सफल हैं और मेरा परम कर्तव्य है, मेरे इलाके का संबलपुर क्षेत्र का विद्यार्थी बहुत हिंदी प्रेमी है, मैं तो उसी क्षेत्र का हूं, बरगढ़ का रहने वाला हूं, इसीलिए जानते हैं सर हमारा क्षेत्र का हिंदी विद्यार्थी बहुत उत्साहित है, जहां भी इस क्षेत्र के विद्यार्थी जाते हैं अपना झंडा फहरा के आते हैं, आपने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, ये जो विद्यार्थी आपको आज सुन रहे थे ये विद्यार्थी पूरे उड़ीसा के हैं, क्योंकि उड़ीसा ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे उड़ीसा में है, और पूरे पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारे 50-55 स्टडी सेंटर्स है, अध्ययन केंद्र जो कॉलेजेस में खुला है वहां पर बिलोंग करते हैं। सो नॉर्थ ओडिशा, कोस्टल ओडिशा, साउथ ओडिशा, वेस्टर्न ओडिशा, हर जगह से विद्यार्थी हमारे पास हैं, और जो आज के आपके जो ये था लेक्चर था उसको सुन रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, वो तो हम तो उड़ीसा के ही हैं और उड़ीसा के विद्यार्थी लाभान्वित हो ये हमारे लिए गर्व का विषय है सर। उड़ीसा के सारे प्रांतों से, सारे कोने कोने से विद्यार्थी, हम लोग भी अभी पश्चिम बंगाल में हो, राजस्थान में कहीं कहीं हम लोग फैले हुए हैं, हम उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं सर। आपका प्रयास बहुत ही साधु प्रयास है। मैं कितने बहुत साल ही से आप बंगाल में हैं सर? मैं बंगाल में, मेरे यहाँ हो गए सर 2006 से मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में था, अब तक लगभग सर यहाँ 14 वर्ष हो गए। ओके, 14 वर्ष हो गए। मैं सिक्किम में था तो दार्जिलिंग सर, कई बार हमने गए हैं। ओ सर, मैं 2006 में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में पहला पोस्टिंग था मेरा। बहुत अच्छा कॉलेज है दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज। जी सर, 2006 से 2012 तक था और 12 से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ हुगली मोहसिन कॉलेज को। बहुत अच्छा। सो विद्यार्थियों को मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप लोग काफी ध्यान से सुने और आप लोगों ने काफी प्रश्न पूछा। अगर कोई विद्यार्थी आगे बढ़ के ऑनलाइन होके अनम्यूट करके कुछ हमें या आज के रिसोर्स पर्सन प्रधान जी को कुछ बोलने चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या अपना मोबाइल को अनम्यूट कीजिए और बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार, बताइए। फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, हमारा भी कुछ डाउट है, फोर्थ सेमेस्टर भी क्लास होना चाहिए सर। फोर्थ सेमेस्टर का क्लासेस होगा और हो रहा है सर। सर धन्यवाद सर। सर कल ही दोपहर को 3:30 से 5 बजे की जो क्लास है सर, चतुर्थ सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए रखी गई सर। क्या विषय होगा बता दीजिएगा। जी 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 सर, बिल्कुल 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 सर। विषय थोड़ा सा है ना, अभी आपको अभिषेक इसलिए सुन रहे हैं सारे सारे उड़ीसा के तमाम विद्यार्थियों को मेरी शुभकामना। उड़ीसा के सारे विद्यार्थी इतने हिंदी प्रेमी हैं कहिए नहीं, मैं जानता हूँ, शांति निकेतन में पढ़ा हुआ हूँ ना, इसीलिए उड़ीसा के सारे विद्यार्थी बहुत हिंदी प्रेमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ है ना, उड़ीसा का क्या विषय वस्तु है थोड़ा बता दो बच्चों को। सर कल का जो विषय है उपन्यास स्वरूप एवं विकास पे है, MHD 13 के Book 1 पे है सर कल का क्लास सर। उपन्यास स्वरूप और विकास। जी सर, MHD 13 जो हम लोग का पाठ्यक्रम है उसके Book 1 खंड 1 पे कल हम चर्चा करेंगे सर। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे सर। और कोई कुछ बोलने चाह रहे हैं बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सर। कल का जो फोर्थ सेमेस्टर का टाइम कितने बजे है? कल दोपहर 3:30 से 5 बजे तक। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, धन्यवाद चक्रधर जी, आपको धन्यवाद। अभिषेक आपको धन्यवाद, जो हमारे टेक्निकल टीम है उनको भी बधाई, और खास करके जितने विद्यार्थी हैं सभी को हमारे तरफ से यूनिवर्सिटी के तरफ से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपका आपका प्रयास बहुत ही सफल है, मैं बहुत लाभान्वित हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय कुलपति सर, धन्यवाद डॉक्टर चक्रधर प्रधान सर, और धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी कक्षा तब तक सफल नहीं हो पाती जब तक विद्यार्थी उससे नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद विद्यार्थियों को कि वो धैर्य पूर्वक सुने और अपने जिज्ञासा को यहाँ पूछा, और इसके उपरांत भी लगातार हिंदी की कक्षाएं होती रहेंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप विद्यार्थियों ने बहुत बहुत मतलब बहुत प्रासंगिक सवाल सब पूछे हैं, बहुत अच्छे सवाल सब किए हैं विद्यार्थी, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी। जी सर, जी सर, सर धन्यवाद सर। आप अपने एंड से कॉल एंड कर सकते हैं अपनी ओर से, और विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि वो अपने ओर से इस कॉल को, इस कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इतनी सार्थक बातें, इतनी सार्थक बातें हो रही हैं कि इसको ऑफ करने का मन नहीं हो रहा है, किंतु क्या करो, बाध्यता है, बहुत से काम है। ये निरंतर बना रहेगा सर, आपका आशीर्वाद और हमारा साथ सर निरंतर बना रहेगा। हाँ, वाइस चांसलर जैसे है ना, प्रशासनिक और एकेडमिक व्यक्ति इतने उत्साहित हैं, हमको फोन रखने का मन नहीं कर रहा है। लगता है कि उनके साथ इसी प्रकार की चर्चा, और इतने शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, है ना। मैं तो जानता हूँ कि उड़ीसा के हमारे जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं, वो अपने प्रेम के कारण इतने शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं, और वाइस चांसलर सब इतने इतने आंतरिकता से बने रहे हैं, उनके साथ बात करने की इच्छा हो रही है। और भी सारे सार्थक समय होगा और आप चर्चा में हमको योग्य मानेंगे, तो मैं बहुत कृतार्थ होऊंगा आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद यूं ही निरंतर बना रहे। ठीक है।